फरीदकोट निवासियों की लंबे समय तो चली आ रही मंग हुण छेती ही पूरी होवेगी। तलवंडी रोड से रेलवे फाटक से बनने वाले पुल का काम तेजी नाल चल रहा है। पिछली अकाली सरकार के समय साबका डिप्टी सीएम सुखबीर बादल वालों इसका नींह पत्थर रखा गया सी। 32 करोड़ रुपए की लागत तैयार होने वाले इस फ्लाईओवर के निर्माण को वेखद्या शहर के लोग भी सुख का साह लै रहे हैं। दस दईए कि अमृतसर तो फरीदकोट हाईवे से यह फाटक पैंदा है, जिथे कि अक्सर लोगों रेलवे क्रॉसिंग कारण लंबा इंतजार करना पैंदा सी, जो कि हुण खत्म होवेगा। यहाँ तो बहुत बंदी मिलता था और बड़ी दिक्कत आती थी। नहीं, अच्छा ही हो रहा है, पुल का निर्माण हो जाएगा तो अच्छा है, लेकिन फॉर द टाइमिंग तो अभी भी बड़ी मुश्किल है। डेफिनेटली जब जो फाटक रेलवे फाटक बंद मिलता था वो नहीं मिलेगा तो जाने आने में सहूलत होगी। तो यहाँ एक्चुअली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस तरफ है रेलवे के, शहर की शहर उस तरफ है, जो दशमेश स्कूल है और दशमेश डेंटल कॉलेज है, इसमें काफ़ी बच्चे जाते हैं, काफ़ी लोग जाते हैं, उसमें दिक्कत आती है। उनका टाइमिंग होता है, आगे बायोमेट्रिक अटेंडेंस है सभी की, तो इसमें दिक्कत आती होगी, काफ़ी रात मिलेगी। सानू एडियां बहुत समस्या सी पिंडो, जो चलते 13 किलोमीटर तो देख के जो फाटक लगा सी तो सानू यह हो जाता जी पेंड ही खड़े हैं, तकरीबन लगा ही रहा ही। जे बन गया पुल तो सानू बहुत सहूलत है। हाँ जी, जो बच्चों को छुट्टी मिलती सी उदों भी बहुत ज़्यादा समस्या आती। फाटक तकरीबन जदों मतलब 2-4 घंटे बाद ही शहर कोई आता उदों बंद ही होंगे जी, कोई ना कोई गाड़ी किसी पासों आई जाती। जाम बहुत नहरों तक जाम लग जाता जी। पुल बनना सानू बहुत सहूलत हो गई, समझो जिन्ना टाइम इतने खड़े रहना पैंदा उन्ने टाइम से ही काम करके वापस हो जाने। सरकार ने बहुत वधिया काम किया जी।